दोस्तों वैसे तो BTS के मेंबर अनरेस्ट होकर कभी भी कोई फोटो या फिर वीडियो शूट नहीं करते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब BTS ने डेब्यू किया था तब उनके रूकी डेज के दौरान जिमिन ने एक वीडियो शूट करी थी जहां पर वो आर्मीज को वी को दिखाने वाले थे। और दोस्तों इस वीडियो में स्पेशल बात तो ये थी कि जिमिन ने पहले ही आर्मीज को बता दिया था कि वी अपने कमरे में अनरेस्ट होकर बैठे होंगे। और दोस्तों खास बात तो ये थी कि आर्मी से ज़्यादा एक्साइटेड जिमिन थे इस बात को देखने के लिए कि जब वो वीडियो का कैमरा वी के ऊपर करेंगे और वी अनरेस्ट होंगे तो वी किस तरीके का रिएक्शन देंगे। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट होते ही जिमिन ने आर्मीज को बता दिया था कि वो अंधेरे में चुपचाप वी के रूम में जाने वाले हैं और उनका रिएक्शन देखने वाले हैं और शायद वी वहां पर अनरेस्ट होकर बैठे होंगे। और दोस्तों जब वो वी के कमरे में गए तो हुआ भी यही कि वी वहां पर शर्टलेस होकर बैठे हुए थे और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पर दोस्तों फनी बात तो ये थी कि हमेशा की तरह हाइप के एडिटर्स ने वहां पर एक फेक शर्ट ऐड कर दी और वी की बेयर बॉडी आर्मीज को नहीं दिखी। और दोस्तों ये वीडियो आर्मीज के बीच में काफी वायरल भी हो गई थी क्योंकि वी इस वीडियो में अचानक से हंसने लगे और जिमिन भी काफी शाय हो गए थे जब वी वहां पर शर्टलेस होकर बैठे हुए थे। और जैसे ही जिमिन ने वी को अनड्रेस देखा उन्होंने कैमरा वापस से मोड़ लिया था। हालांकि दोस्तों आर्मीज को ये वीडियो काफी फनी लगी थी क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से जिमिन अपने ही फ्रेंड का मजाक बनवाने के लिए आर्मीज और पूरी पब्लिक के सामने उनको अनड्रेस रिवील करने को तैयार थे। लेकिन दोस्तों हमारे हाइप के एडिटर्स ऐसा होने ही कहां देते हैं क्योंकि काफी बार देखा गया है कि BTS के किसी भी वीडियो में अगर BTS के मेंबर अनड्रेस्ड होते हैं या फिर शर्टलेस होते हैं तो वहां पर वो फेक टी शर्ट ऐड कर ही दी जाती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी आर्मीज को कभी भी नहीं दिखती। दोस्तों काफी सारे लोगों का ये भी मानना था कि जिमिन का इतनी मेहनत करके वी को शर्टलेस दिखाने का फायदा ही क्या हुआ क्योंकि बाद में हाइप के एडिटर्स ने जब उसमें सबटाइटल्स डाले तो उन्होंने वी की बॉडी पर शर्ट भी लगा ही दी। काफी सारे आर्मीज तो ये भी सोच रही थी कि पता नहीं जिमिन को इस बात के बारे में पता भी होगा या फिर नहीं कि हाइप के एडिटर्स ने इस तरीके से वी की बॉडी को हाइड कर दिया है क्योंकि दोस्तों वी को स्पेशली शर्टलेस दिखाने के लिए ही जिमिन ने इतनी मेहनत करी थी और वो चुपचाप रात को वी के कमरे में गए थे। हालांकि दोस्तों ये सब BTS की पुरानी मेमोरीज से रिलेटेड है क्योंकि ये वीडियो भी काफी पुरानी है और उस टाइम पर BTS के मेंबर्स ऐसी काफी सारी हरकतें करते ही रहते थे लेकिन अब वो काफी मैच्योर हो गए हैं और एक दूसरे की लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर भी नहीं करते। साथ ही साथ अब तो कुछ BTS मेंबर्स ने खुद ही अपनी शर्टलेस फोटोज को पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है इसीलिए आर्मीज को ऐसी वीडियोज को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज भी ये सभी पुरानी वीडियोस आर्मीज के लिए एक खजाने जैसी हैं, जिसको देखकर उन्हें काफी ज्यादा स्वीट और अच्छा फील होता है। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने ये वीडियो पहले देखी थी या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।